हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बोया माइक का रिव्यू एंड साउंड चेक। सो ये वाला मेरे पास जो माइक है ये है बोया का BY-M1 माइक, जैसा आप देख सकते हो। तो ये माइक मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, तो लगभग मुझे एक साल हो गया है इस माइक को यूज़ करते हुए। सो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया इस माइक में और काफ़ी सही चल रहा है। सो मैं इसमें बता देता हूँ कि आपको क्या क्या मिलता है इसमें। सो पहले तो आपको माइक मिलता है, ये बोया का ये माइक मिलता है, और इसकी जो वायर है वो है 6 मीटर, जैसे आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर इसको बांध रखा है। इस माइक के साथ आपको ये वाला कनेक्टर मिलता है, और ये इसमें एक सेल लगती है, ये है LR44, इसका नंबर है। मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। तो इस सेल को कैसे डालना है बोया माइक में वो देख लेते हैं। सो ये है बोया माइक का एडाप्टर है, जैसा आप देख सकते हो। तो इसको खोलते हैं, ये खुल गया। देन आपको प्लस वाला जो साइन है, ये प्लस है, ये प्लस साइन आपको इसमें डालना है। सर यहाँ पर प्लस एंड माइनस लिखा हुआ है, आपको सर इसमें डाल देना है। ये डल गया, कर देना है। तो इसमें हमें बटन मिलता है ऑन ऑफ का। सो पहला है कैमरा का एंड दूसरा है स्मार्टफोन का। सो अगर स्मार्टफोन में करोगे तो वो ऑफ रहेगा, ऑफ माना जाएगा उसको, और कैमरा में रखोगे तो आपका ये बैटरी यूज़ होएगा, ठीक है। तो अभी अगर आप ऑफ रखोगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा रेड कलर का दिख रहा होगा साइन। अगर इसको कैमरा में रखोगे तो आपका ग्रीन दिखेगा, जैसे आप देख सकते हो। और इसमें हमें बोया का ब्रांडिंग मिल जाता है। सो ये रहा माइक। सो इसमें हमें एक विंडशील्ड मिलता है, जिससे कि मतलब हवा आए तो इसमें कैच ना करे ये माइक में। तो इसको हम एक बार हटाते हैं। सो माइक कुछ ऐसा है, जैसा आप देख सकते हो। एंड इसमें हमें मिलता है ये क्लिप मिलता है। सो ये रहा माइक और ये है क्लिप। इसको आपको बस यहाँ पर लगा के माउंट कर देना है, ऐसे बस। और क्लिप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और इस विंडशील्ड को हम एसआर के इसको लगा देंगे, ठीक है। सो अभी जो मेरी वॉइस आ रही थी वो डायरेक्ट कैमरा से आ रही थी। सो मैं अभी इस बोया माइक को लगाता हूँ कैमरा में। अभी ये वाली जो आवाज़ आ रही है वो है बोया BY-M1 माइक से। सो आपको क्वालिटी का फ़र्क पता चल रहा होगा कि कैसा आ रहा है, और काफ़ी नॉइज़ जो है कम हो गया होगा। सो आपको आइडिया मिल जाएगा कि पहले कैसा साउंड आ रहा था और अभी कैसा आ रहा है। सो गाइस, ये वाला जो माइक्रोफोन है ये है ओमनी डायरेक्शनल। सो ये आपका चारों तरफ से वॉइस को कैच करेगा। और ये जो माइक है ये है एक कंडेंसर माइक्रोफोन, और ये माइक काफ़ी अच्छा है। मैं एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, और काफ़ी बढ़िया माइक है। आप इसको परचेस कर सकते हो। सो इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पर, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। और मैंने एक माइक का रिव्यू किया है, वो है मनाओ का AU-400, वो भी लैपल माइक है। ये वाला भी लैपल माइक है। सो उसका क्वालिटी भी मुझे अच्छा लगा है। उसका अगर रिव्यू देखना है तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो जब मैंने इसको परचेस किया था तब मुझे ये पड़ा था 950 कुछ, ऐसे कुछ था। और अभी इसका जो करेंटली प्राइस है वो है 800। तो काफ़ी बजट में है ये प्राइस इस माइक का, और आप इसको परचेस कर सकते हो। अभी इसका रेट थोड़ा सा कम है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।